लीलाओं का समापन और पुतलों का दहन होता है। इसी को लेकर लाहौर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिले के लाहौर में यूपी एवं मध्य प्रदेश के कलाकारों के द्वारा खेड़ापति हनुमान मंदिर पर चल रही रामलीला का दशहरा के दिन भाटन ताल पर मंचन के बाद समापन होगा। वहीं लाहौर नगर में खेड़ापति हनुमान मंदिर पर रामलीला समिति द्वारा दशकों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दशहरा के दिन रामलीला समापन एवं दशहरा महोत्सव का आयोजन भाटन ताल दशहरा मैदान में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कारीगरों के द्वारा दशहरा महोत्सव के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं कारीगर ने बताया कि इस बार लाहौर में रावण का विशाल 55 फीट का पुतला बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि लाहौर में देश के प्रसिद्ध आतिशबाजी बनाने वाले कारीगर जो उत्तर प्रदेश के जालौन से आए हैं, उनके द्वारा पुतला दहन के लिए विशेष आतिशबाजी की तैयारी की जा रही है। भिंड से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। और करीब 15 साल से इस काम को कर रहे हैं जी। लाहौर में पहली बार आए जी? लाहौर में पहली बार। अभी कब आए थे लाहौर? 26 तारीख को आए। कितनी ऊंचाई है? एक रावण की 55, कुंभकर्ण की 45, नगनाथ की 40। काम तो हम लोग ये मिस्त्री यही करते, ताजिए वगैरह ज्यादा बनाते। कहाँ से आए आप? हम लोग जालौन से। काम तो हमारा पुश्तैनी है पूर्वजों से, लेकिन आए आज यहाँ इसलिए कि हमारा कल का काम है। ये जब कल तैयार होंगे तब इनमें हम फिटिंग करेंगे, बांस बल्ली कल ही लगाएंगे। सारे आइटम हमारे कल के हैं, आज हम खाली फिटिंग करेंगे अपना आइटम। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ क्या लगना है, ये लगाएंगे।